पिज़्ज़ा बन के रेडी है। इसे मैंने बीच में से कट भी कर दिया है, देखो इस तरह से। अब ये मेरी बहन चखेगी। ये मौसम भी है ये ऑरेंज से हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। जैसा कि आपको पता है, आपके प्यार से हम हमेशा खुश रहते हैं, तो प्लीज अपना प्यार हम पर बनाए रखिए। और अभी इतनी खतरनाक धूप लग रही है कि आंखें नहीं खुल रही है, और मैं भी दरवाजे के पास आके वीडियो बना रही हूँ ताकि लाइटिंग अच्छी आए और मेरे वीडियो की क्वालिटी कुछ सुधर जाए। अच्छा वीडियो की क्वालिटी सुधर नहीं रही है, चेंज नहीं आ रहा है, तो क्या करें। नया फोन भी ले लिया, फिर भी दिक्कतें चल रही है। तो ये हमारी टेक्निकल थोड़ी दिक्कतें हैं, वो हम सॉल्व कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, हो जाएगा सही। पर अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45, अंधेरा अंधेरा हो गया भैया जी। हाँ, 9:45 बज रहे हैं, और जिंकल ने यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है पूरे घर में। अभी ये पोछा लगाने वाली है, और किचन का प्लेटफॉर्म ऐसा कैसा पड़ा है, क्योंकि मैंने कहा आज जिंकल को कि तू पहले पोछा लगा दे, फिर हम प्लेटफॉर्म का काम करेंगे, क्योंकि अभी खाना तो हम तभी ही बना लेते हैं दोपहर का, तो ये ऐसा कैसा रहेगा। और अभी मैं बर्तन मांजने वाली हूँ। ये देखो, मम्मी ने एक तगारा भर के बर्तन मांज दिए, और अभी इतने हैं, थोड़े बहुत और भी है, तो मैं बर्तन मांजने वाली हूँ। तो हमारा काम अभी जोरों शोरों से स्टार्ट हो गया है, और तो हम करेंगे ही, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो चलो अभी हम काम खत्म कर लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। आपको पता है, आपके बिना हमारा जी नहीं लगता, आपसे जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए हम अपना काम खत्म कर लेते हैं। जिंकल का पोछा हो गया, सिर्फ किचन में बाकी है, और मैंने अपने बर्तन मांज दिए हैं। बाहर गलेरी जो साफ करनी थी वो मैंने कर दी है, सारा काम हो गया है। अब मैं बनाऊंगी आटे की लुइया। मम्मी और बा महादेव गए दर्शन के लिए, और रिंकल दीदी अभी तक छोटी के घर से नहीं आए हैं। अभी छोटी रुकने वाली है 2-3, तो वो भी शायद से रुकेंगे, पता नहीं है मुझे रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो अभी रिंकल दीदी भी नहीं है घर पर, और मम्मी और बा अभी महादेव गए, वो मम्मी और बा का भी आने का टाइम हो गया, आते ही होंगे शायद से। देखो अभी मम्मी और बा भी आ गए है। जय स्वामीनारायण भाई, मम्मी महादेव से तो जाके आए, जय स्वामीनारायण, साथ में दूध भी लेके आए हैं। वाह, ऐसे महादेव के दर्शन तो हमें भी करने हैं, जहां से दूध मिलता हो। तपेला भर भर के दूध लेके आएंगे, है मम्मी। ऐसे महादेव के दर्शन तो हमें भी करने हैं। महादेव को दूध चढ़ाना है, लेना नहीं। आप तो महादेव पर गए थे, दर्शन करने गए थे, दूध लेके आए तपेला भर के। दोपहर के 11 बज रहे हैं, और यहाँ पर बाई की जय स्वामीनारायण वाली माला चल रही है, और मम्मी यहाँ पर सब्जी कट कर रहे हैं। अचानक से मम्मी ने प्लान किया कि अभी दाल चावल सिर्फ नहीं चलेंगे, सब्जी भी चाहिए, तो मम्मी सब्जी बनाएंगे अभी। जिंकल ने दाल का तड़का लगा दिया है, यहाँ पर मैं रोटी बनाऊंगी, जिंकल सेकती आएगी। अभी दोपहर के 12:15 हो रहे हैं, और मैंने अपने बालों में तेल डाला है, और चलो अभी खाना खाने का टाइम हो गया है, तो खाना खा लेते हैं। जिंकल का व्यायाम हो रहा है यहाँ पर, और मम्मी मम्मी को खाना खाना है। कब से मम्मी बोल रहे थे, पर मेरी एक दवा छूट गई थी पीने की। दवा वगैरह किसी काम थे नहीं घणो भले, पर हम खा पे हो कल्ले कल्ले कल्ले। अभी 6 बजने वाले हैं, और आज महिला मंडल गई थी जया मासी के घर पर, तो जया मासी के घर से वापस आते हुए मैं वीडियो बना रही हूँ। अभी देखो हमारा महिला मंडल पीछे चल रहा है, आ रहा है एक एक करके, और अच्छे से बातें वगैरह की हम लोगों ने, थोड़ा टाइम जया मासी के साथ बिताए, और हम वापस अब घर आ गए, क्योंकि घर का भी काम अभी करना है इसीलिए। और ठंडी भी लग रही है ज़्यादा।
6 बज गए हैं कंप्लीट और हम लोग घर पर तो आ गए हैं, पर जय मासी के घर से एक अनोखी चीज लेके आए हैं, वो मैं अभी आपको सबको दिखाऊंगी। मैं वहां पर शूट करना चाह रही थी पर मुझे थोड़ी ना दिक्कत थी, जल्दी आना था घर पर, तो फिर इसीलिए मैंने वहां पर शूट नहीं किया, ऊपर मम्मी याद के तौर पर लेके आई है तो मैं वो दिखाऊंगी आपको। मम्मी कहेंगे आए रो देखो, ये देखो, ये पहले तो ये चीज क्या है वो देखो आप। सु लागे रो देख ले क्या है, खोल आप खोलो, छोटे वाले खोलती हूँ ठीक है, कोई भी। ये मौसम भी है। जया मासी ने लिया था पौधा, छोटा सा पौधा है, बहुत ही छोटा, तो उस छोटे पौधे में ये मौसमी कहते हैं या संतरा कहते हैं मुझे नहीं पता, वो तकरीबन 15 थे, 15 तक थे, 14-15 थे, और ये 4-5 है जो पके हुए थे, जो ग्रीन थे ना, ये ऑरेंज थे, ये ऑरेंज से तो उन्होंने नींबू का पौधा समझ के लिया था, और उनके घर में कच्चे होते हैं तो नींबू की तरह ही दिखते हैं, पर कलर ऐसा हुआ तो हमने पूछा ये क्या है क्या है, तो वो बोले कि मुझे भी नहीं पता, हमने नींबू का पौधा समझ के लिया था, अब ये ऐसा हो रहा है, तो हमने कहा तो आप उतारो, ऐसे भी पक तो चुके हैं, तो ठाकुर जी को पहला भोग चढ़ाओ, फिर बाद में सब आप टेस्ट तो करो कैसी चीज है क्या है। तो फिर उन्होंने एक ही रखा और तीन हमें दिए, छोटे छोटे तीन हम लेके आए, और अब ये लोग देखो सब लोग खोल रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। बहुत छोटी है तो पक गई तो इसे निकाल टूट जाती है, है छोटी सी अच्छी सी, देखो मुझे दिखा तो ये कितनी छोटी स्लाइस है इसकी, देखो तो सही, तो मैं प्रेम से निकाल रही हूँ धीरे धीरे, ये इतनी छोटी छोटी मौसम्बी कभी देखा है, नींबू देखा इतना छोटा ये तो नींबू की तरह ही। हाँ भाई हाँ मौसम्बी भाई आ जो रिसर नो अलग अलग ओल खाए, अरे मीठी मीठी, अरे है नहीं खाटू, अरे भाई मैं खाती जो सुगंधी बहुत मस्त सुगंध है बा, મમ્મી ક્યાં જાવ રામ મહાદેવ ઠીક હે ના જય સ્વામિનારાયણ તો જય માસી યે આપને ભી ચખા હોગા આઈ થિંક ક્યુંકિ ઘર પર આપ લે ગયે હો તો મેરે માસા કો ભી સબકો ખિલાયા હોગા પર યે બહોત હી ખટ્ટી ચીઝ હે બહોત હી ખતરનાક ટેસ્ટ હે ઇસકા और आज हम ये सब ये चीज सबको खिलाएंगे घर में, पता बा की तरह जो स्मार्ट होगा वो नहीं खाएगा, बा ने मना कर दिया मैं नहीं खाऊंगी खट्टा है मुझे पता है तो बा की तरह जो भी स्मार्ट होगा वो नहीं खाएगा, पर जिंकल की और मम्मी की तरह जो कोई होगा तो पहले खाना चाहेगा, तो देखेंगे ये चीज अब कौन कौन खाता है, मैं यहाँ पर ही रख देती हूँ, वैसे है अजीब चीज नहीं दिखता कितना अच्छा है, देखो कलयुग आ गया, कलयुग नींबू की साइज के संतरे संतरे सेम टू सेम ही है, जैसा मोटा आता है इतना ऐसा ऐसा है, देखो सब कुछ ऐसा है, पर खट्टे बहुत है, बहुत खट्टा है, साइज भी छोटी है। चलो हम काम पर लगते हैं, चलो चलो आज घर पर बनने वाला है ब्रेड पिज्जा, परेश भैया की फरमाइश थी कि ब्रेड पिज्जा मुझे खिला दो, तो चलो अभी हम प्रिपरेशन करते हैं ब्रेड पिज्जा की, बस रह जाती है यही, बस नखरे 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 भाई मैं कहीं नखरे नहीं नहीं तू तो कहे ना कर बा। चलो पहले पहले मैं ठाकुर जी की आरती कर लेती हूँ, अभी शाम के 7:15 बज रहे हैं और यहाँ पर मेरा ब्रेड पिज्जा बनने की विधि स्टार्ट हो गई है,
तो ये देखो, ये मैंने कुछ सब्जियां है जो कट करके रख दी है, और यहाँ पर मैंने तेल गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं बारी बारी ये सब्जी सब्जियाँ डालूंगी। और यहाँ पर जिंकल कर रही है तैयारी पात्रा की, इसे पात्रा स्टीम करके रख देगी, फिर कल सुबह तड़का लगाएगी। नहीं जिंकल, तेल गर्म हो गया है, इसमें हम बारी बारी ये सब्जियां डालेंगे। मैं इसे थोड़ी देर ऐसे ही पकाती हूँ बिना नमक डाले, क्योंकि नमक डालते ही ये सब्जियां सारी पानी छोड़ने लग जाती है, इसलिए थोड़ी देर ऐसे ही पकाती हूँ, उसके बाद नमक वगैरह डालूंगी। ऊपर से थोड़े बहुत टमाटर डाले, थोड़े बहुत टमाटर डाले हैं ब्लैक पेपर के साथ ही, ताकि टमाटर पानी ना छोड़े इतना, और जल्दी से मैं बंद कर दूंगी। अब इसमें मैं डाल दूंगी ओरेगानो और चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैं फिर ऊपर से अलग अलग में डालने से अच्छा इसमें डाल दो तो टेस्ट भी आएगा और तीखा भी लगेगा, मजा आएगा। चलो तो स्टफिंग तैयार हो गई है, अब पिज्जा क्या कहते हैं ब्रेड पर स्टफिंग लगाते हैं और तैयार करते हैं ब्रेड पिज्जा। ये मेयोनीज और ये है पिज्जा पास्ता पेस्ट, इन दोनों का यूज करेंगे अभी इसमें। अभी इसमें चीज डालेंगे। एक स्लाइस बना के मैंने यहाँ पर स्टीम होने के लिए रख दी है, अब ये बन जाएगी फिर टेस्ट करके दिखाएंगे आपको। लो आंच पर तो सीखना है इसे अच्छे से, और ये हो जाए उसके बाद देखना है नीचे से जल जाएगा, वरना आपको चेक करते रहना है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट, उसके बाद रेडी है सर्व करने के लिए। अभी देखो ये स्टीम होके आ गए हैं, पिज्जा बन के रेडी है। इसे मैंने बीच में से कट भी कर दिया है देखो इस तरह से। अब ये मेरी बहन चखेगी, ले बहन चख। अच्छा लग रहा है बहुत, ठीक है कुछ भी नमक वगैरह कुछ भी? कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब सारे बना दूं? ठीक है चलो, अब ये पूरे ब्रेड में बना के रेडी कर देती हूँ। फाइनली पिज्जा बन के रेडी है और हम खाने वाले हैं अभी। पीयूष भाई कैसा लगा पिज्जा? एक नंबर। एक नंबर है, मेरे मुंह में पानी आ रहे हैं, बहुत मेहनत किया आप लोगों ने। देखो देखने भी बहुत सुंदर दिख रहा है। देखो ये सब देख के पानी आ रहा है, तो मैं खाना स्टार्ट करता हूँ अभी। जिंकल भी खाना स्टार्ट करेगी, तो पहले खा लेते बाद में मिलते हैं। तो हमने पिज्जा खा लिया, बहुत ही टेस्टी था, नहीं जिंकल? मजा आया? तो चलो मजा आया तो ये समेटो सारा, ठीक है।